मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा, क्या ये पार पार का जो खेल है ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है? इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? ये बात भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? क्या दोस्तों इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुका है? क्या दोस्तों इंडिया में एक ही पार्टी है और दूसरा कोई पार्टी नहीं है? दूसरा पार्टी को इलेक्शन लड़ने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है? क्या मीडिया इतना उस पार्टी की पॉकेट में घुस गया है कि दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता है? आज की वीडियो में खुलासा होने वाला। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों इंडिया का डेमोक्रेसी कहाँ पर है, क्या चल रहा है इंडिया में? क्या एक ही पार्टी को सपोर्ट करने के लिए मीडिया इतना आगे आ चुके है कि और दूसरा कुछ दिखाई नहीं देता, इंडिया की गरीब जनता को दिखाई नहीं देता है? क्या मीडिया उस पार्टी की पकड़ में इतना घुस गया है कि इंडिया में बेरोजगारी मीडिया को दिखाई नहीं देता है? क्या इंडिया में इतना महंगाई दिखाई नहीं देता है? क्या मीडिया यहां तक आ गया है कि किसी एक पार्टी को 400 सीटों के ऊपर जाने के लिए तैयार हो गया? क्या चल रहा है? तो चलिए दोस्तों लेट्स प्ले द वीडियो। सवाल यह है कि यहां पर 303 पिछली बार आया था, ये एक सच्चाई है। वहां से पीएम 370 और एनडीए के लिए 400 की बात कर रहे हैं, इसीलिए उन राज्यों पर रिसर्च हो रहा है कि कहां कहां पर गुंजाइश बनती है। आपको क्या दिख रहा है? अभी मदद है भाई, अभी मदद है। देखिए मुझे तो लगता 450 कहना चाहिए, आकलन भी मेरा और आकलन करने वाले भी मेरे, तो 450 क्यों ना। मुद्दे की बात यह है कि क्या मुद्दों के ऊपर चुनाव होगा, क्या केवल इन आंकड़ों के ऊपर ही चुनाव होगा, क्या ये पार पार का जो खेल है ये साइकोलॉजिकल वॉर गेम तो नहीं है कि मोदी जी वहां से कुछ कहेंगे फिर 4 लोग और कहेंगे। हरियाणा में मुझे याद है पिछले चुनाव में, अब की बार 75 पार आए थे 40। कर्नाटक में अभी थोड़े दिन पहले ही पिछले साल 160 पार था। हिमाचल के अंदर 40 पार था, आए कितने थे 24। दिल्ली में भी 60 पार था, सरकार पिछले 1993 के बाद तो सरकार नहीं बनी। राजस्थान में अभी चुनाव होने के बाद एक ही बाई इलेक्शन हुआ था, उस कैंडिडेट को एमएलए ना बने हुए भी उसको मंत्री बना दिया गया था, वो भी हार गया और वो भी बहुत अच्छे मार्जिन से हारा। और अगर इतना 400 पार और 500 पार हो ही रहा है तो काहे को ईडी सीबीआई को परेशान कर रखा है? इस सरकार को गिराओ, इस एमएलए को गिराओ, इस एमएलए को खरीद ले जाओ, इस इलेक्शन कमीशन को मुट्ठी में कर लो, सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी खाओ, इतनी मेहनत क्यों की जा रही है? फिर मैं कहूंगा आकलन भी मेरा, आकलन करने वाले भी मेरे, 400 क्यों 500 की बात क्यों ना की जाए? और अगर इतनी दिक्कत थी तो मुझे बता दीजिए ना भाई, आपको क्यों सरकारें गिरानी पड़ रही? ठीक है, जिनको अभी अमित शाह जी कहते थे कि दरवाजे बंद हैं, उनको भी साथ ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि डर है, केवल मोदी जी आ गए हैं, हाइपोथेटिकल एक इमेज बनाई जाए, साइकोलॉजिकल वॉर गेम किया जाए, ईडी सीबीआई को सबके पीछे छोड़ दिया जाए। इतनी फटकार लगने के बाद भी ये सरकार निर्लज्जता से इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर जिस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार का काम किया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, अभी भी कह रहे 400 पार। अरे भाई क्या मतलब, आप लोग कहीं ईवीएम को अपने घर में बना रहे हैं क्या? किस मुद्दे पर आप कह रहे हैं? क्या महंगाई कम हो गई? ये अंजना जी हमारे साथ राजस्थान में खूब चुनाव में प्रचार करती थी। क्या गंगानगर का पेट्रोल सस्ता हो गया? क्या वहां पर महंगाई कम हो गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम कम हो गए राजस्थान में? क्या महिलाओं पर अत्याचार कम हो गए? लेकिन मुद्दों की बात नहीं होगी, मुद्दों की बात तो आपको किसने बुलाते हैं? मुद्दा ये तो बताने के लिए बुलाते हैं। कहूंगा अंजना जी, मुद्दों की बात और सवाल खींच सामने वाले मीडिया पर निकालिए। मैं नहीं कह रहा हूं खींच की बात, एक एनालिस्ट के तौर पर मुझे बताइए ना, आप लोगों का क्या टारगेट है? एक सेकंड गौरव जी, कौन से स्टेट्स में अच्छी परफॉर्मेंस है आप मुझे बताइए, कहां कहां पर आपको उम्मीद है कि हम बहुत अच्छा करेंगे? आप अपना नंबर्स बताइए ना, आप नंबर्स बताइए, अभी दिखाएंगे सामने। मैंने पहले भी कहा उसकी चर्चा करें, मैंने पहले भी कहा कि ना तो मैं जोशी हूं ना ईवीएम मेरे कब्जे में। अच्छा, टारगेट नहीं देंगे? अभी भी गौरव भाटिया जी ने कहा कि मोदी जी हैं तो सरकार आ जाती, मतलब कोई परफॉर्मेंस की बात नहीं की। मोदी जी भाषण देते हैं संसद में, 10 मिनट का भाषण होता है, उसमें 50 बार 70 बार कांग्रेस का नाम लेते हैं। गौरव भाटिया जी अभी कांग्रेस 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 कांग्रेस, अरे भाई आपने क्या किया देश के लिए वो तो बताइए ना। अभी प्रचार की शुरुआत भी नहीं हुई है और भारत में सबसे बड़ा स्टार प्रचारक जिसकी विश्वसनीयता हिमालय की चोटी की तरह है कोई है तो नरेंद्र मोदी जी हैं। हमें याद रखना चाहिए तीन असंभव कार्य, अनुच्छेद 370 हटाना,
भव्य राम मंदिर बनाना और यूसीसी लागू करना उत्तराखंड में, वो करके दिखाया। 3 करोड़ लखपति हमारी बहनें बन गई, उनको घर मिल गया, क्या ये छोटी बात है? अब इन्होंने कहा साहब यूसीसी हम ले आए, हाँ वो लिव इन रिलेशनशिप का, जो बच्चे लिव इन में रहेंगे, जो लोग रहेंगे वो थाने में बता देंगे ये यूसीसी है इनका। इस देश को आप गुमराह कर रहे हैं, ना उसके अंदर ट्राइबल है, ना एससी है, ना रिजर्वेशन की कोई बात है, ना बाहर से आने वाली लड़कियां जो शादी करेंगी उसका कोई जिक्र है, लेकिन बस लिव इन में रहेंगे वो, थाने में रिपोर्ट कर देंगे, ये यूसीसी आ गया। देश को गुमराह करने का काम आप करते हैं। 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। देश के ऊपर 5 गुना कर्जा चढ़वा दिया, अभी कोई कह रहा 3 करोड़ मकान दिए, वित्त मंत्री कहते हैं 3 करोड़ दिए, मोदी जी कह रहे हैं 4 करोड़ दिए, गौरव भाटिया जी 5 करोड़ कह के जा सकते हैं। मैं तो 3 करोड़ को भी चैलेंज करता हूं, मुझे वो वेबसाइट बता दीजिए या किस डिपार्टमेंट ने बनाए हैं 3 करोड़ मकान, वो देश की जनता को आज तक के माध्यम से आप बता दीजिए। 252 करोड़ मिल गए, 352, अरे भाई नोटबंदी में एक एक बैंक में जिसमें आप ही के चाणक्य के डायरेक्टर रहे थे कितना पैसा जमा हुआ था, आज तक कोई जांच नहीं हुई, और नोटबंदी के नाम पर वोट मांगिए ना। एक वो व्यक्ति था अहमदाबाद में, 13,000 करोड़ से ज्यादा रुपया कैश मिला था, वो कहां चला गया? कितने लोग वहां से बाहर से आप पकड़ कर लेकर आ गए, कितने लोगों को आपने सजा दिलवा दी? गौरव भाटिया जी तो वकील है, मैं तो पूछ रहा हूँ एक FIR बताइए 2014 के बाद, और एक भ्रष्टाचारी कन्विक्ट हो गया उसका नाम बताइए। केवल ईडी CBI का दुरुपयोग करके और आप केवल देश को बांट रहे हैं, इसके आगे कुछ नहीं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दोस्तों सच्चाई तो यही है कि बीजेपी जब देखेगा और कुछ बचा नहीं है, बस ईडी CBI की तो है, ईडी CBI तो है, पुलिस है, ये तो बीजेपी के पास है। अगर कोई नेता कुछ कह रहा है, कुछ नेता के कारण बीजेपी को नुकसान हो रहा है, बस इसके पीछे ईडी CBI, इस पार्टी के पीछे ईडी CBI लगा देगा। ऐसा तो मतलब 2014 की बात से चल ही रहा है। दूसरी बात है मीडिया। मीडिया में मैं 2014 की बात से लेकर आज तक ऐसा विपक्ष के लिए ऐसा कुछ देखा नहीं, या फिर मौजूदा गवर्नमेंट को ऐसा कोई सवाल पूछा नहीं है कि आपने ये काम क्यों किया है, ऐसा कुछ पूछा, या फिर आपने ये काम क्यों नहीं किया। अभी मतलब जो मकान दिया है, बात कर रहा है 3 करोड़ का, 5 करोड़ का, कहा है भाई? अभी बस ये सब अपने मुंह पे है, 3 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ दे दिया, 4 करोड़ दे दिया, बस ये अपने मुंह पे है, प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आप लोगों को पता है AIIMM की जो सांसद है इम्तियाज जलील, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था कि उनका जो MP एरिया है वहां पे तकरीबन 60,000 लोग जिनको अपने मतलब ये मकान चाहिए था, लेकिन आज तक एक मकान का, एक घर का काम चालू नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि ये सब झूठ है। 370 हटा दिया है, राम मंदिर बना दिया है, बस ये अंधभक्त जो लोग है यही लोगों को समझना चाहिए। अरे भाई देश कहाँ जा रहा है, किस तरफ देश जा रहा है, और किसके हाथ में देश को उठा के दिया है आप? दोस्तों मोदी जी जब 2014 में आए थे, हम भी सुना था मोदी जी कि उन्होंने कहा ये करेंगे, महंगाई दूर करेंगे, नौकरियां आएगी, हर साल में 2 करोड़ नौकरियां आएगी, हर खाता में 15-15 लाख आएगा, यही सोच के कि हाँ कोई अच्छा आदमी आ रहा है, उसको चुनना चाहिए, अच्छी बात कर रहे हैं। लेकिन आज के दिन में देश की हालत क्या है भाई? देश कहां से कहां, कितना गरीबी आ गया है, उसकी पहले इतना गरीबी नहीं देखा है, इतना महंगाई नहीं देखा। तो दोस्तों यही मौका है 2024, कुछ ना कुछ तो हम लोगों को करना पड़ेगा। इसीलिए उम्मीद है कि 2024 में हम अच्छा निर्णय लेने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपका क्या ख्याल है जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छा लगा है तो आगे शेयर जरूर करना, आपका प्यार से हाथ से एक लाइक जरूर कर देना वीडियो पे, और दोस्तों चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए दोस्तों मिलता हूं किसी और वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अल्लाह।